दिक्कत आ गई बिडू दिक्कत। जैसे मैंने आज बोला था कि आज हम करेंगे अपना मोटो व्लॉग सेट डन। गाइस कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग। अपन फिर से आ रहे हैं, 9 बज चुके हैं और क्या करें, दिल्ली में फिर से हो गई है ठंड, जैसे मैं कल बता रहा था। चलो पहले रनिंग करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने पास बात करने के लिए। इतनी रनिंग करने के बाद भी गर्मी, बॉडी में गर्मी नहीं आ रही क्योंकि दिल्ली में क्या हो रखा है आजकल, दिल्ली में टेम्परेचर काफी हाई है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ग्राउंड में क्यों भाग रहा हूँ, पार्क क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पार्क दिल्ली में क्लोज है। अभी तक कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है जिसमें पार्क या जिम ओपन हुए हो। अगर आप आ गया हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है अभी, बट फिर भी मैं आगे एक बार चेक करूँगा। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर जिम्स वगैरह या पार्क वगैरह ओपन होंगे तो कल से अपन जिम में देखेंगे या तो पार्क में देखेंगे। सांस चढ़ेगी यार। क्या होता है, यही होता है कि जब आप काफी लंबे टाइम से एक्सरसाइज करना छोड़ दो या कुछ गैप दे दो ना बीच में, तो उसके बाद जब आप करते हो तो सांस फूलना चालू हो जाती है, वो एनर्जी नहीं रह जाती उस टाइम पे जो पहले आपकी जो चल रही होती है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है डेली। सो दैट्स व्हाई सांस चढ़ेगी यार। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं बता रहा था कल दिल्ली का टेम्परेचर काफी अच्छा था, कल धूप भी निकली थी, बट आज का टेम्परेचर काफी बेकार हो चुका है, काफी ठंड है आज। बेसिकली अभी 11 डिग्री टेम्परेचर है आज का। तो यस, बाकी सब बढ़िया है। अभी अपन चल रहे घर, मुझे वीडियो अपलोड करना है, बट ये पोर्टिंग में इतना टाइम लगा रहा है, चौथी बार है जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बट ये हमेशा 26% पे आके रुक रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मेरा फर्स्ट व्लॉग इतना टाइम ले रहा है आने को तो दूसरा व्लॉग कैसे आएगा, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे अपना सिस्टम चेंज करने की जरूरत आ रही है, या तो इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसके चेंज कराएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बट ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि अभी हमारा पहला व्लॉग ही नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा, तो आगे के व्लॉग कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात हो रही है। दिक्कत आ गई बिडू दिक्कत। चलो कुछ ना कुछ देखते हैं, एंड आई थिंक व्लॉग थोड़ा लेट हो सकता है। सो गाइस, इतना बड़ा लेजी हो चुका हूं मैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं डायरेक्ट वहां से आया और रनिंग करके आया और आते ही सो गया, पता ही नहीं चला कब लेटा और कब मैं सो गया। अभी उठा हूं, अभी अप्रॉक्स 2 बजने वाले हैं, बट मौसम में कोई चेंज नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था कि अपने को आज हेलमेट सेटअप करना है, तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ एमसील। एमसील के साथ छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, एमसील के साथ नहीं, वैसे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो भटूरे छोले भटूरे भी लेके आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, बेसिकली मैं मार्केट आ चुका हूँ, तो चलते हैं भटूरे बाय करते हैं, देन उसके बाद एमसील भी लेंगे जिससे हम अपना हेलमेट सेटअप कर सकें और मोटो ब्लॉक्स भी चालू कर सकें। तो चलो चलते हैं गाइज, एमसील ले लिए और अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके अपना मोटो ब्लॉक सेटअप करेंगे, हेलमेट पे लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे भी, देन उसके बाद हो सकेगा कल से मोटो ब्लॉक सेटअप भी चालू हो जाएगा, मोटो ब्लॉगिंग भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आज बोला था कि आज हम करेंगे अपना मोटो व्लॉग सेटअप डन, तो बेसिकली ये मेरा हेलमेट है जो हमने नया लिया था, तो इसी पे करेंगे आज अपना मोटो व्लॉग सेटअप। इसके लिए हमें चाहिए एक एम सील, ये इसका कनेक्टर, यहाँ पे ये यहाँ पे लगेगा ऐसे, जिसमें आपका कैमरा होल्ड ऑन होगा, एंड देन रेगमा क्योंकि ऊपर का सरफेस रगड़ने के। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं, पहले ऐसे करते हैं इसको रगड़ते हैं। नई बाइक पे स्क्रैच आता बड़ा अजीब लगता है, और हम अपने नए हेलमेट पे स्क्रैच मार रहे हैं,
आपको उतने में स्क्रैच मारना है जहाँ तक आपका ये सेटअप लगेगा, ठीक है, उसके अलावा मत मारना गाइस, क्योंकि हेलमेट पूरा खराब है। और ये हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इस पे अपनी एमसील आराम से, प्लेन सरफेस पे एमसील या कोई भी चीज जल्दी चिपकती नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा रगड़। और एक चीज और, जितना अच्छे से ये लगेगा उतना अच्छे से आपका कैमरा भी इस पे सेफ रहेगा, क्योंकि क्या होता है अगर कल को ये सही से नहीं लगे तो क्या होगा, कल को ये आप बाइक पे होंगे तो बाइक से क्या कैमरा गिर जाएगा, और कैमरा गिरने के बाद टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर इसको सही से करना। कि ये दो कलर को छोड़ के एक कलर का कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जितना अच्छे से ये मिक्स होगा ना उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ बना के रखेगा। तो इस चीज का हमें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या है, क्या होता है कि अगर जो बेस होता है अगर वही सही से नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा। ये हो गया रेडी, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट इस पे लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे लगाएंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ये कुछ ऐसा हो चुका है अपना सेटअप रेडी, अब इसको थोड़ा क्लीनिंग करेंगे। इसके बाद चाहे तो आप कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, अगर आपका मन हो तो आप भी कर सकते हो। तो यस गाइस, सेटअप कुछ ऐसा रेडी हो चुका है अपने पास, देख रहे हैं। तो अभी ये मत सोचो कि ऐसा दिख रहा है तो हो चुका है, नहीं, ये पता चलेगा सूखने के बाद। हम इसको चेक करेंगे इसकी एबिलिटी, ये कामयाब हुआ कि नहीं। तो यस गाइस, अपना सेटअप कुछ ऐसा रेडी हो चुका है। तो अब जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लगा उसको साफ भी करना जरूरी है। तो ये कुछ सेटअप है गाइस जो रेडी हो चुका है, फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों से करा है, आई थिंक आपको पसंद आया और आपको भी सीखने के लिए मिला होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना सेटअप करना चाहें तो कैसे कर सकते। ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए जिससे आप मोटो व्लॉग सेटअप अपना बना सकते हो और मोटो व्लॉग कर भी सकते हो। और अब हम इसको रख देंगे सूखने के लिए। सो बस बाकी सब बढ़िया है, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अब इसको रख देता हूँ सूखने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ओके, बस थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, हाथ साफ कर लेता हूँ, उसके बाद खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है। एंड यस, वन मोर थिंग, यहाँ तक देख लिया ना तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा यूट्यूब चैनल एनकेवी व्लॉग सब्सक्राइब कर देना गाइस। टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं, जब मैंने मोटो व्लॉग सेटअप करा, आपने देखा मैंने कैसे अपना मोटो व्लॉग सेटअप रेडी करा। देन उसके बाद क्या है कि मैंने खाना खाया और मैं सो गया, एक्चुअली सोया नहीं था, बेसिकली क्या है मैं मूवी देखते देखते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला, सो दैट्स वाई। तो अभी मैं उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे मैं उठा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट और कुछ सब्जियाँ लेके आऊँगा, देन मैं खाना वाना बनाऊँगा। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फेवरेट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन, और यस सपोर्ट कीजिएगा गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अब मैं क्या लेकर मैं साथ वालों को देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।